ये रहा दो नारियल, आज मैं इसका कुछ ना कुछ बना दूंगी। बहुत दिन हो गया है यार, वरना ये खराब हो जाएंगे। नारियल फोड़ते टाइम ये हो गया, उसका खोल जो है मेरे हाथ में लग गया और नारियल जो है गढ़ी बन चुका है। इसका पूरा कवर निकल गया और ये बीच में ही मेरा उंगली जो है फंस गया। बाजार में आ चुके हैं नए आलू, और इधर लिया है शिमला मिर्च, ये है साग आलू, गाजर, मूली, पालक का साग, पत्ता गोभी, बीटरूट, नारियल को छील के रखा है, इसका कुछ बनाना है। ये है गंधोराज, लेबू, अदरक, हरी मिर्ची, टमाटर, मटर सूटी और प्याज। आज इतना बाजार किया है, अब देखते हैं इसमें सब में से क्या बनाते हैं। आज पूर्णिमा है तो आज मेरी जो कथा है संपन्न हुई। आप सभी को साल का पहला पूर्णिमा बहुत बहुत मुबारक हो। पूर्णिमा स्पेशल बनाया है भाजी, तो आज हम लोग खाएंगे ब्रेड भाजी, क्योंकि पाव तो मिलता नहीं है, तो ये भाजी बनकर तैयार है। और इधर है खीर। 1:30 बज चुके हैं और मेरे चेहरे पे आपको थकान दिख रही होगी, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ खाना बना के। अभी जा रही हूँ रेडी होने, मम्मी को अचानक से मन किया है, बोल रही है आज पूर्णिमा का दिन है मंदिर चलो, तो मैं कौन से मंदिर जाती हूँ मम्मी और भाभी के साथ, बने रहिए मेरे चैनल पे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। हाय कर दो, कहाँ जा रही है? बोल दो, बाबा का मंदिर। कहाँ जा रही है? बाबा का मंदिर। बाबा का मंदिर इधर, मम्मी। चलो हम लोग सब चल रहे हैं मंदिर। भाभी को बहुत घूमने का शौक हो गया है। ले लो जितना कमल। चलो मंदिर। हम लोग आए हैं सोदपुर साईं बाबा का मंदिर। यहाँ का जो वातावरण है, जो माहौल है, यहाँ पे आते ही आपको इतना प्रसन्न कर देता है ना, अजीब सा सुकून मिलता है यहाँ पे। एक तारीख को यहाँ साईं बाबा का सैक्रिफाइसेस को दर्शाया गया है। लो माँ, छह 7 बजे ही होता है। पूजा
पूजा देना हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं। क्या बोले भाभी? खाली पर जाओ। पूजा वगैरह देना हो गया, अब जा रहे थोड़ा बाहर पुचका खाएंगे। हम लड़कियां मंदिर आए चाहे कहीं भी आए, पुचका ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ हाथ धोने वाला है ना। चलो रोक के रखो। चलो सब कमेंट सेक्शन में जय साईनाथ लिखना बिल्कुल भी ना भूले। पर्स आप पुचका खाना है? साई मंदिर जो है हमारे घर से अच्छा खासा दूर पड़ता है, तो हम लोग दर्शन करके पूजा देकर बाहर चले गए थे। पंडित जी से पूछा कि कितने बजे आरती होगी, तो पंडित जी ने बोला था संध्या के 7 बजे, लेकिन आरती जो है जल्दी स्टार्ट हो गई। हम लोग मंदिर से निकल चुके थे तो बाहर से ही थोड़ा वीडियो लिया और आप लोगों के साथ शेयर किया। साई बाबा का भभूति लगा के मैं कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही हूं, पर सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है। मेरी बहन कैसी लग रही है? नहीं। कौन बना रही है? कल हम लोग को काम पे जाना है। हम लोग का 2023 का पहला मेहंदी का काम होगा कल 7 जनवरी को। बहुत भूख लग गया मंदिर से आने के बाद, तो मैं इधर अपना ब्रेड और भाजी इंजॉय करती हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगर खुशबू में। मैं मेहंदी लगाया हूँ, शिवन्या मेहंदी लगाई है। शिवन्या का मेहंदी कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कल हम शिवन्या, ज्योति भाभी और मेरी मम्मी जो है मंदिर गए थे, बहुत अच्छे से पूजा किए, दर्शन किए। इधर छुटंकू पता नहीं क्यों पागल हो रहा है, पागल हो रहा है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी मेरे बगीचे में जो है ना बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फूल खिले हैं, तो मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। उसके बाद रेडी होंगी, काम पे जाना है। कल भी बताया था मैंने कि काम पे जाना है। पीछे भाभी ने पूरा चादरों को जो है आज अच्छे से धो दिया है। फ्लावर ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है, सच में नेचर जो है बहुत ही खूबसूरत है। मतलब इतना सारा कलर यार, कैसे इतना खूबसूरत। वो देखिए पर्पल और वाइट का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। लुक एट द फ्लावर्स, मतलब सुंदर सुंदर फूल जो है खिलना स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखो गेंदा फूल का साइज तो देखो। हम लोगों ने सारे पालक के साग को खा लिया, धनिया पत्ती को खा लिया। अब लुक एट दिस, ये सबसे सुंदर बैगन भी सब बड़ा बड़ा हो जाता। आई क्यूटी से क्यूटी पाय, बंदा गोभी, पत्ता गोभी और ये सारे हो रहे हैं ओल कोपी। सलगम, हिंदी में सलगम। और ये सारे फूल गोभी, इधर न्यू पौधा आमड़ा। ये देखो आमड़ा, देखो जूम करके दिखाती हूँ, टमाटर होना स्टार्ट हो गए।